दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो ब्रिज के नीचे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। पेश है हमारी रिपोर्ट। मीडिया ने यहां आकर कवरेज की है और आप जब गूगल करेंगे तो सिर्फ एक ही नाम आएगा, राजेश कुमार शर्मा, जिसने स्कूल की स्थापना की। भारत का शुरू से ही दुर्भाग्य रहा है कि जिसका योगदान होता है उसे मीडिया सामने लाने में हमेशा विफल रही है। राजेश कुमार शर्मा नहीं, इस स्कूल के असली हीरो हैं लक्ष्मी चंद्र। बिहार के नालंदा जिले से आए लक्ष्मी चंद्र, जो फ्री स्कूल अंडर मेट्रो ब्रिज के मैन फाउंडर हैं और 10 साल से झुग्गी झोपड़ी के गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं श्री लक्ष्मी चंद्र जी से। हमारे माता पिता खेतिहर मजदूर थे, उनका अपना घर नहीं था। उस हालत में मैंने शिक्षा को ग्रहण किया। हमने गरीबी को बहुत निकट से देखा। हमारे मन में यही भावना जगा कि हमारा देश ऋषि महर्षियों का देश रहा है। ऋषि महर्षियों का कहना था परमार्थ ही जीवन है। परमार्थ को लेकर मेरे मन में यही भावना आया कि हम भी गरीब बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें। दिल्ली के भारत की राजधानी में मैंने यह काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने शुरू किया था 1980 में नक्सल प्रभावित क्षेत्र हिलसा नालंदा। आज हमारे मन में यही भावना आज भी जगता है कि गरीब बच्चे यदि हमारे देश में अधिक से अधिक पढ़ते हैं तो देश का उत्थान करने में काफ़ी मदद मिलता है। जब देश का उत्थान होगा तो हमारा भी उत्थान होगा। हमारे स्कूल से बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं, कोई प्राइवेट में चले गए हैं, कोई सरकारी में भी धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। जिस वातावरण में कोई पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, उन वातावरण के लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे तरक्की कर रहे हैं। तो बहुत से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत से कॉलेज में दाखिला ले लिए हैं। तो हमारे स्कूल जो है फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज के बच्चे आगे तरक्की कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज जैसे स्कूल देश के अन्य भागों में बने ताकि बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने में बाधा नहीं हो। शुरू में देखिए हमारे कुछ गाय अभिभावक जो थे लड़कियों के, तो कहते थे कि नहीं, गरीब लड़की को भेजेंगे नहीं। लेकिन जब हमारे बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल किए, सच्चाई से पेश आए हमारे साथ और हम उनके साथ सच्चाई से पेश आए, तो हमारे प्रति आकृष्ट हुए और अपने लड़कियों को हमारे पास भेजने का प्रयास किया। शुरू में हमारे पास कुछ लड़कियां आती थी, कुछ नहीं आती थी, तो उसके पेरेंट्स के पास जाते हैं। आज भी सप्ताह में एक बार झुग्गी झोपड़ी में जाकर के देखते हैं कि कौन बच्चे 3 वर्ष के हो गए हैं, कौन 3 से अधिक हो रहे हैं, सबको भेजो। जब हमारे देश का हर बच्चा शिक्षित हो बढ़ेगा तब हमारा देश अवश्य आगे बढ़ेगा। मैं 2012 से फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज में आ रहा हूँ। मैं इन बच्चों का जो है पढ़ाता तो हूँ, इसके अलावा मैं सोशल वर्क का भी काम करता हूँ। इनका आधार कार्ड बनवाना है, जन्मपत्री बनवाना है, या किसी बच्चे के माता पिता को पोस्ट ऑफिस की जानकारी नहीं है, जानकारी उनको देता हूँ। एजेंट कोर्ट की जानकारी नहीं है, उनको ले जाता हूँ। हॉस्पिटल की जानकारी देता हूँ। कोई बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा ये रहता है कि हम उस बच्चे को उसके माता पिता के साथ हम जो है हॉस्पिटल जाएं और सेवा सुसरा हम तो पैसे से नहीं कर सकते, लेकिन तन से जो है हम जा करके बच्चों से मिलें। जितना सेवा मैं अपने बच्चों को नहीं करता हूँ, अपनी पत्नी नहीं, हमारी पत्नी बीमार पड़ जाती है। मैं खुद अभी 3 महीने से बीमार हूँ, लेकिन मैं एक दिन भी एबसेंट नहीं होता हूँ। इन बच्चों को सेवा करने के लिए आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों से इस तरह से घुला मिला रहा हूँ कि 24 आवर्स यदि इनके माता पिता से हमको सेवा करने का मौका मिले तो हम इनको सेवा करता रहूँ। छोटे बच्चे तो भले हैं, लेकिन थोड़े से बड़े 10-11 साल के बच्चे होते हैं ना, तो उनके माता पिता जो है काम में लगा देते हैं, तो वे बच्चे जो है काम के प्रति ज्यादा जागरूक रहते हैं, पढ़ाई के प्रति कम जागरूक।
तो हम लोगों को जो है इनके माता पिता के पास जा करके समझाना होता है कि शिक्षा का क्या महत्व है। कम से कम समय जो है काम में आप लगाओ, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाओ आप। अब उन्हें हम संदेश ये देना चाहेंगे कि हमारे विद्यालय के लिए कुछ सोचें, हमारे शिक्षकों के लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि हम शिक्षकों का अस्तित्व दयनीय है। हम लोग पहले जो है एक शिफ्ट में पढ़ाते थे, अब जो है दो शिफ्ट में पढ़ाते हैं, हम लोग 8:30 बजे आते हैं, 5 बजे घर जाते हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाती है। ये सन 2010-11 में यहाँ पर जब पढ़ा रहा था तो ये लोग मेरे पास में यहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ये ट्यूशन पढ़ाने के लिए इस फ्लैटों में आए थे। तो मैंने कहा ट्यूशन पढ़ा करके तो पैसा बहुत कमा लो, लेकिन मेरे जैसे बंदे के संग काम करो। तो उन्होंने कहा यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो मैंने कहा यहाँ तो फ्री में पढ़ाते हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसी चीज़ मिलेगी कि जिसका मूल्य नहीं होगा। ये हैं राजेश कुमार शर्मा। अगर आप बड़े चैनल से नहीं हैं तो आपसे बड़े रूडली बात करेंगे और वहाँ से भगा देंगे। हमारे साथ भी ऐसा किया गया, लेकिन लक्ष्मी चंद्र जी की वजह से हम अपना प्रोजेक्ट कर पाए। कहा जाता है कि सरस्वती विद्या की देवी होती हैं, पर यहाँ आप कह सकते हैं लक्ष्मी चंद्र विद्या के देवता हैं। इतने सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाते हुए लक्ष्मी जी ने कई साल गुजार दिए, पर आज भी इनकी स्थिति दयनीय है। पीने के लिए पानी भी बहुत दूर से लाना पड़ता है, और आज भी ये किराए के छोटे से कमरे में रहते हैं, जहाँ ना किचन है ना ही बाथरूम। हमारी पत्नी के माता पिता से दबाव बनने लगा कि अब कमाने का अवसर आ गया है, ये इससे काम नहीं चलेगा। तो मैंने उन्हीं के द्वारा दिया गया जो 300 रुपया मिला था, उसके माध्यम से मैंने दिल्ली आया। दिल्ली आया तो हमको जगह कोई ठौर ठिकाना नहीं था, कोई अनजान वातावरण दिखाई दिया हमको महानगर का, कोई अनुभव विशेष नहीं था। तो उस हालत में झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने हमको शरण दिया, और जब झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने शरण दिया तो हमारे मन में भी भावना आया कि इन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। पास यमुना बैंक के लोगों ने हमारे पास पहुंच गया, इतना पहुंचा, इतना तल्लीनता से पहुंचा, कहा कि सर जे पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, जे आप हमारे बच्चों को पढ़ाइए। मैंने कहा कि ठीक है। तो हम उन लोगों को सांत्वना देने के बाद हम आ रहे थे, तो ये राजेश शर्मा मिला। तो मैंने पूछा उससे कि क्या बात है भाई, तो उसने बताया कि यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी से हमारा संपर्क है। तो हम कहे कि ठीक है, संपर्क है, तो क्या करना चाहते हो? तो कहे कि आप साथ देंगे तो हम पढ़ाना चाहते हैं। तो हम कहे कि ठीक है, तुम यदि पढ़ाने के लिए दक्ष है तो तुम ठीक है, तुम्हारा साथ अवश्य देंगे। तो वही मिला और वहीं से शुरू हो गया ये कार्यक्रम शुरू हो गया। तो वो भी बाद में पता चला कि ये अनपढ़ है, अनपढ़ इतना लगा कि हम पत्नी से आकर के कहा तो पत्नी ने नकार दिए कि ये काम करना उचित नहीं है। तो नकार करके 3-4 दिन के बाद मैंने छलेरा गांव में चला गया पढ़ाने के लिए, प्राइवेट स्कूल में बुला लिया हमको। तो 4 दिन के बाद हमारा जो फ़ोन नंबर ले लिया था तो फिर कॉल किया ही कि आ जाओ। इतना कहने के बाद वो फिर जा करके झुग्गी झोपड़ियों के लोगों से संपर्क कर लिया कि नहीं टीचर आ गए हैं, शुरू करो। तो वहीं से शुरू हो गया ये काम। तो कोई भी बंदा जब आते हैं तो मीडिया का उपयोग वही करता है, जिसके कारण है कि लोग उसको कहते हैं कि नहीं सचमुच में ये स्टार्ट किया है, लेकिन हकीकत अलग है। आपने पढ़ाने के लिए वही स्थान क्यों चुना, मेट्रो ब्रिज के नीचे ही क्यों चुना, और भी कई जगह हो सकती थी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह रही कि जब हम पढ़ाना शुरू किया था तो पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, जंगल में जहाँ पर रास्ते होते थे, पगडंडी होता था, जहाँ आदमी का आना जाना होता था। तो उस हालत में कभी वर्षाकालीन मौसम मिलता था और कभी गर्मी का, तो उससे बचने के लिए हम कोई छत वाला जगह को चुन रहे थे। और इसी कारण से है कि चुनते हुए मेरे मन में यही भावना आया कि जब हम पुल के नीचे पढ़ाएंगे तो यहाँ फ्री वातावरण मिल जाएगा।
छत का काम करेगा पुल, और बच्चों का रुकने ठहरने का अवसर मिलेगा बरसात के दिनों में। तो यह जान करके पुल को ही चुना, मेरे पास कोई और इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास पैसे नहीं थे कि बच्चों के लिए कोई व्यवस्था अलग से किया जाए। कोई भी काम सामाजिक स्तर से करता है तो उसके जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। कभी अच्छाई आता है, कभी बुराई आता है, कभी अवसर अनुकूल नहीं रहता है, कभी प्रतिकूल रहता है। तो ऐसे झेलने की आदत हमारे बचपन से ही है, क्योंकि उस वातावरण में ही पले ढले हैं जहाँ गरीबताई है। गरीबताई कैसी होती है, वातावरण कैसा होता है, रहने का अवसर अच्छा मिलता है नहीं मिलता, ये सब जानकारी तो हमें बचपन से ही मिला। तो हमारे माता पिता भी गरीब परिवार के थे, इतने निर्धन थे कि उनके पास रहने के लिए ठो ठिकाना नहीं था, कपड़े नहीं मिलता था, खाने के लिए नहीं मिलता था। उस हालत में हमारा ज़िंदगी कटा है माता पिता के साथ। तो अब उसको भी याद करते हैं जब हमारे सामने परेशानियां आती हैं परिवार के साथ, तो उसको हम समझ करके, वैसा ही समझ करके हम इसको झेल लेते हैं, आज भी झेल लेते हैं। हमारे साथ आज भी परेशानियां हैं, किस तरह से रह रहे हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं कमरे के मकान में, किस तरह से कभी कभी पानी नहीं होता है, हम पानी लाने के लिए मतलब डेरी जाते हैं, पीने का जल यहाँ नहीं है, नहाने का जल तो है, पीने का जल लाने के लिए जाते हैं मदर डेरी से। लक्ष्मी जी का हर कदम पर साथ दिया उनकी अर्धांगिनी ने, जिन्होंने कभी किसी कार्य में रुकावट नहीं डाली। जो महिलाएं आपको देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे तरफ से तो यही संदेश रहेगा कि जो पति अपना समाज सेवा कर रहे हैं तो उसमें साथ देना चाहिए, और समाज को भी उत्थान होगा इसी तरह से। हर पत्नी को कर्तव्य होना चाहिए कि अपना पति के साथ दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु चंद्र है और मैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में हूँ। दीपांशु, कैसा फील करते हैं जब पापा को देखते हैं इतने सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाते हुए? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब कुछ मुनाफा या फ़ायदा नहीं होता है तो थोड़ा बहुत निराशा होती है, लेकिन जब गरीब बच्चे को देख के लगता है कि वो भी आगे बढ़ेंगे तब मन में थोड़ी खुशी मिलती है। तो आप भी जाते हैं पढ़ाने? जी, मैं वहाँ करीबन 4 या 4.5 साल तक लगातार वहाँ पढ़ाया हूँ। अभी थोड़ा मुझे यहाँ पढ़ाई की वजह से बिजी हो गया, तो जिसके कारण डेली नहीं जा पाता हूँ। लाइफ में क्या करना चाहते हो, गोल क्या है आपके? लाइफ में सबसे बड़ा गोल तो मेरा यही है कि एक दिन IAS ऑफिसर बनने के लिए, भारत का सेवा, देश की सेवा करने के IAS ऑफिसर बन के। मन करता है सूरज बनकर आसमान में डॉल लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पे अकल दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर मैं भी छोड़ाऊं।